नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे में नई भर्ती आने वाली है 10,000 पदों के लिए जीआरपीएफ और आरपीएफ के पदों पर। तो इसमें बात करते हैं मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया की भर्ती रहेगी। अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो आप किसी लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भर्ती कब निकलने वाली है, कब इसका ऐलान हुआ है, कितने पदों पर निकलेगी, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, हरियाणा में निकली हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं। और कोई भी आपको डाउट हो तो वहाँ कैंडिडेट्स करीब 600 करीब कैंडिडेट्स जुड़े हों, तो वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं और हमसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कई बार यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से, तो आपको अपडेट नहीं मिलता है। तो अगर आप उस ग्रुप में रहेंगे तो आपको अपडेट भी वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी चलते हैं सीधा न्यूज़ पर और आपको बता देते हैं 10,000 पदों पर भर्ती कहाँ आने वाली है। ये देखिए, ये न्यूज़ है नवंबर 24, ठीक है। रेलवे में जल्द होगी 10,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती, तो इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रायपुर भारतीय रेलवे ट्रेनों में सफर के दौरान और स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को और मुस्तैद करने के लिए रेलवे जल्द ही 10,000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करने जा रहा है, जिसमें जीआरपी और आरपीएफ दोनों के जवानों की भर्ती होगी। रेलवे सुरक्षा कर्मियों की यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेगा। अब ये जल्द कब होता है वो देखते हैं, लेकिन जल्द शुरू करना पड़ेगा। आपको पता है अगले साल चुनाव है, तो जो कुछ करना पड़ेगा जल्द ही करना पड़ेगा। शनिवार को रायपुर पहुँचे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं अरुण कुमार, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी थी कि अभी क्या है, 10,000 पदों पर और एक भर्ती आने वाली है। ये जो आपने जिन कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरे हैं या भरे हैं, वो भी इसके लिए जरूर से जरूर अप्लाई करें। जैसे नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। नीचे इसमें बताया गया है कि नए ऐप के जरिए कैसे आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर पाएंगे, वो आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगा जिसे आप खुद चेक करके इस न्यूज़ पर जा सकते हैं। अभी बात इतनी सी है, 10,000 पदों पर भर्ती आएगी, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ऑल इंडिया आप कहीं से भी वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें जीआरपी और आरपीएफ रेलवे की ये है दोनों भर्तियाँ निकलने वाली हैं। तो इन्हीं के लिए आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उनकी ये प्रक्रिया है जल्द ही शुरू करेगा रेलवे, ठीक है। तो ये किसने बताया है, जो आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं अरुण कुमार, उन्होंने ये मीडिया के तहत जब बातचीत हुई है उसके बारे में बताया है। तो ये न्यूज़ का मैं आपको लिंक दूंगा, आप खुद भी चेक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि ये फेक न्यूज़ है, डेट एडिट की है, जो कुछ भी। तो दोस्तों, आप खुद जाकर इस न्यूज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये 24 नवंबर की ये न्यूज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि जैसे MTS SSC MTS की जो भर्तियाँ निकलने वाली थी वो कब निकलेंगी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कब निकलेगी। तो दोस्तों, जैसे ही वैकेंसी आती है आपको नोटिफिकेशन पहुँचा दिया जाएगा, तो आप जल्द से ग्रुप में जुड़ जाएँ, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सभी ग्रुप में इसे शेयर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।